डियर स्टूडेंट, इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड फोर्थ, चैप्टर नंबर वन, रेन इन द नाइट, रेनिंग रेनिंग ऑल नाइट लॉन्ग, समटाइम्स लाउड समटाइम सॉफ्ट, जस्ट लाइक अ सॉन्ग। बच्चों, इस पोयम में बताया गया है बारिश के बारे में कि पूरी रात बारिश हो रही है। कभी बारिश जो है बहुत जोरदार आवाज के साथ होती है, कभी सॉफ्ट होती है, धीरे धीरे बारिश हो रही है। ऐसे लगता है जैसे कोई सॉन्ग हम सुन रहे हैं, है ना। रेनिंग रेनिंग ऑल नाइट लॉन्ग, यानी कि पूरी रात बारिश हो रही है। कभी जोर से बारिश हो रही है, कभी धीरे बारिश हो रही है। देयर विल बी अ रिवर इन द गटर, वहां पर जो है नदियां है, गटर है, एंड लेक्स अलोंग द स्ट्रीट, जो है स्ट्रीट है, रोड तरफ में जो है पानी बह रहा है। इट विल मेक आर लेजी किटी वॉश हिज लिटिल डर्टी फीट, वहां पर जो बिल्ली का बच्चा है उसके जो छोटे छोटे पैर है, गंदे पैर है, वो क्या हो रहे हैं, धुल गए हैं। द रोजेस विल बी वेयर अ डायमंड, ऐसे लग रहा है जैसे कि फूलों के ऊपर पानी की जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो एक डायमंड के जैसे है। लाइक किंग्स एंड क्वींस एट कोर्ट, जैसे दरबार में राजा और रानी के सर पे जो ताज होता है जिसमें डायमंड होते हैं, उसी तरह फूल के ऊपर पानी की बूंदे एक डायमंड की जैसे लग रही है, जैसे लग रहा है फूल ने क्या किया है, डायमंड पहना है। बट द पैनिशेस ऑल गेट मडी बिकॉज दे आर सो शॉर्ट, जो छोटे छोटे फूल है वो पूरे मिट्टी में, मिट्टी हो गई है उनके ऊपर, पूरा जो मिट्टी आ गई है। जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें इतनी तेज गिरती है तो जो मिट्टी है वो फूलों के ऊपर आ गई है। बिकॉज दे आर सो शॉर्ट, वो लोग बहुत छोटे हैं इसलिए उनके ऊपर मिट्टी आ गई है पानी की बूंदों के कारण। आई विल सेल माई बोट टुमारो, आज मैं जो है मेरी बोट जो है कल मैं पानी में बहाऊंगी। बारिश होती है तो बच्चे क्या करते हैं, बोट बनाते हैं, नाव बनाते हैं और पानी में बहाते। इन वंडरफुल न्यू प्लेसेस, एक नई जगह पर, बहुत सुंदर जगह पर करेगी। बट फर्स्ट आई विल टेक माय वॉटरिंग पॉट, लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूंगी, जो है वॉटरिंग पॉट जो है पानी का, उसे लेकर एंड वॉश द पेनिसिस फेसेस, मैं फूलों के ऊपर पानी डालूंगी और उनके फेस को धो दूंगी। सो स्टूडेंट, ये बहुत ही सुंदर पोएम है बारिश के बारे में। आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। रेन इन द नाइट, क्वेश्चन नंबर वन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग, कितने समय से बारिश हो रही थी। इट हैज बीन रेनिंग थ्रू ऑल नाइट लॉन्ग, लंबे समय से पूरी रात बारिश हो रही थी। व्हाट इफेक्ट विल द रेन हैव ऑन द फॉलोइंग, इन सब पर बारिश का क्या असर पड़ा, किटी के ऊपर, रोजेस के ऊपर, पेनिसिस के ऊपर। सो किटी जो है बिल्ली का जो बच्चा है उसके ऊपर, लेजी किटी वॉशेस हर लिटिल डर्टी फीट और लिटिल फीट इन द रेन, उसके पैर जो है पानी में धुल गए। रोजेस, द ड्रॉप ऑफ रेन वॉटर ऑन द रोज विल शाइन लाइक डायमंड, जब रोजेस के ऊपर पानी की बूंदे पड़ी तो ऐसे चमक रहे थे जैसे डायमंड है, उन द बाय किंग एंड क्वीन एट द कोर्ट, जैसे कि राजा रानी दरबार में जब वो ताज पहनते हैं तो उनके कैसे सर पे जो डायमंड चमकते हैं। पेनिसेस, पेनिसेस आर गेट मडी बिकॉज दे आर सो शॉर्ट प्लांट्स, जो है वो बहुत छोटे हैं और इसके कारण वो पूरी मटी हो गए या उनके ऊपर पूरी मिट्टी आ गई। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द चाइल्ड प्लानिंग टू डू द नेक्स्ट डे, बच्चों का क्या प्लानिंग था अगले दिन के लिए। द चाइल्ड प्लानिंग टू सेल हर बोट ऑन द नेक्स्ट डे इन न्यू एंड वंडरफुल प्लेस, एक अगले दिन वो नई जगह पर और सुंदर जगह पर अपने बोट को पानी में बहाना चाहते थे। लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन 3-5 lines व्हाट हैपेंड व्हेन इट रेन इन योर सराउंडिंग, क्या होता है जब आपके आसपास में बारिश होती है। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, माय सराउंडिंग गेट डर्टी एंड कंप्लीट मैश, क्या होता है, पूरे
डर्टी हो जाते हैं, गंदा हो जाता है और मैश हो जाता है। सब जगह हम देखते हैं ना, कीचड़ हो जाती है और गंदगी हो जाती है। रोड्स गेट वाटर लोडेड एंड दिस क्रिएट ब्लॉक दैट लास्ट फॉर एन आवर। कुछ समय में ही क्या होता है, रोडों पर पानी भर जाता है, ब्लॉक हो जाता है, सब जगह में पानी भर जाता है और मुश्किल होती है। सो आई होप ये पोयम आप सभी को समझ में आई होगी। अगर आपको मेरे थैंक यू।